और दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग टॉपिक ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप भी एक रेडमी नोट 10 का यूजर हैं, क्या आपको MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिला। दोस्तों अगर आपको भी MIUI 12.5 का अपडेट को लेकर बहुत एक्साइटेड है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपडेट कर लिया। अगर आपने इस अपडेट को नहीं किया तो अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपडेट सही है या गलत है, आपको अपडेट देखने के लिए मिला या नहीं मिला, मेरे मोबाइल में दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ये अपडेट आ गया। दोस्तों अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस अपडेट को कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग काफी एक्साइटेड थे MIUI 12.5 के अपडेट के लेकर, और आप सब लोग काफी भी कमेंट भी कर रहे थे कि सर Redmi Note 10 डिवाइस में अपडेट कब आएगा सर। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप सभी लोग भी इस अपडेट को कर पाए। आपको क्या न्यू फीचर देखने के लिए मिला, ये अपडेट सही है या गलत है, कितना MB का ये अपडेट है, ये अपडेट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस अपडेट में आपको क्या प्रोस एंड कॉन्स देखने के लिए मिला, जो आपको Note 10 डिवाइस में जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला इस अपडेट के बाद, इस सॉफ्टवेयर के बाद आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व है या नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपने इस अपडेट को कर लिया MIUI 12.5 का अपडेट, तो इसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें ये अपडेट सही है या गलत है, इसमें क्या आपको प्रोस एंड कॉन्स देखने के लिए मिला। अगर आपने अपडेट कर लिया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो मेरे नए मेहमान हो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अपडेट प्लस आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है। दोस्तों अगर आप भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन और अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलेगा आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। बोलो दोस्तों आपको करना क्या, आपको अपने मोबाइल को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको मैं साइड से दिखा रहा हूँ कि जैसे दोस्तों अभी जो आपका कैमरा शूटिंग हो रहा है दोस्तों, ये Redmi Note 10 डिवाइस से ही हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैं आपका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल को ऑन करना। ऑन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सेटिंग में आ जाना, सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट फोन पे आना है। अबाउट फोन पे आने के बाद सिंपली दोस्तों आपको अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अबाउट फोन पे क्लिक करिएगा, सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं MIUI 12.5 का अपडेट दोस्तों मैंने कर लिया, और इसमें आपको क्या 7 न्यू फीचर देखने के लिए मिला उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये अपडेट सही है गलत है, और ये अपडेट कितना MB का है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये अपडेट दोस्तों आपको 2.5 GB का अपडेट देखने के लिए मिला, लगभग दोस्तों आपको 2500 MB का ये अपडेट है, आप सिंपली अपडेट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे सिंपल दोस्तों चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन होगा हरा वर्ड में, तो सिंपल दोस्तों आप उसी पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये इसमें आपको क्या 7 न्यू फीचर देखने के लिए उसके बारे में बात करो, तो दोस्तों आपको कैमरा लेंस में दोस्तों आपको एक सेटिंग में आई है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको न्यू फीचर देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको एप्स में आ जाइए, एप्स में आने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको सिंपली न्यू फीचर देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग में बहुत से शॉर्टकट देखने के लिए, उसमें आपको बहुत से न्यू फीचर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप अपडेट करिएगा उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आ जाएगा, तो आप सिंपली अपडेट के बारे में प्लस आपका जो न्यू फीचर देखने के लिए मिला उसके बारे में भी आप यहां पे देख सकते हैं। प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिला उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस अपडेट के बाद आपको सॉल्व हो गया, आपको बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम अब नहीं होगा इस अपडेट के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको चार्जिंग डिस्कनेक्ट कनेक्टिंग का जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था इस अपडेट के बाद, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया, आपको डिस्कनेक्ट कनेक्टिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आपको यही सब सारा न्यू फीचर आपको MIUI 12.5 के अपडेट में देखने के लिए मिला था, जो आपको मैंने सिंपली बता दिया। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक मिलेगा, वहां से लिंक मिलने के बाद आप सिंपली इस अपडेट को कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। दोस्तों इसी तरह से न्यू अपडेट की जानकारी प्लस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।